अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक पाकिस्तान में वैसे ही मोनेटाइज नहीं होता, इंस्टाग्राम रील से आप अर्निंग नहीं कर सकते, फेसबुक भी डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं आ रहा, पेपाल आपको पता है, स्ट्राइप का भी पता है, वाइस का भी पता होगा, इस तरह के जितने भी अमेज़न भी बेनली, ये सारे पाकिस्तान में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं। अब हमारे पास अर्निंग करने का एक तरीका था जो था यूट्यूब, अब यूट्यूब भी पाकिस्तान से फाइनली जा चुका है। आप सोच रहे हो कश भाई ये मैंने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं सुनी, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि भाई किस तरह से यूट्यूब जा चुका है और आगे चल के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली जिस वजह से हमारे चैनल मोनेटाइज अभी भी नहीं हो रहे, आगे भी नहीं होंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना हो जो हमने न्यू लॉन्च किए, ये कोर्सेज हैं और यहां पर हमारी वेबसाइट है, यहां पर भी आप जा सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं कोर्स एनरोल करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि क्या इशू आया पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस टाइम दो मेजर इशूज हैं मोनेटाइजेशन को लेकर। एक तो यह है कि आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होता है गूगल एडसेंस अकाउंट, जो कि पाकिस्तान से नहीं बन रहा। मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट क्यों चाहिए होता है? आपकी जितनी पेमेंट्स होती हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट में आती हैं और एडसेंस अकाउंट से आपकी पेमेंट्स होती हैं वो आपके PKR के या जो हमारे पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट होते हैं यहां पे आती हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली कोई एडसेंस नहीं बन रहा, ये ज़हन में रखें, और जब बना के भी देखेंगे तो ये इशू आएगा सामने आपके, और पाकिस्तान से एडसेंस नहीं बनता। जब आपका एडसेंस नहीं बनता तो 100% कंफर्मेशन है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक शॉप पे गया, वहां पे नॉर्मल ये पीसी ले रहा था, गेमिंग पीसी, ठीक है। उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई 1.5 महीने से मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने जब चेक किया तो माशाल्लाह से 2 स्टेप में इशू था और 1.5 महीने से 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सॉरी उसमें सेकंड जो स्टेप होता है ठीक है एडसेंस का, उसमें इशू था और उनका एडसेंस ही नहीं बना हुआ था। तो मैंने उनको बाहर के एक कंट्री से एडसेंस खरीद कर दिया और वो लगा कर दिया। अब जैसे फेसबुक होता है वो मोनेटाइज बाहर से करते हैं, अब ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि एडसेंस नहीं बनते पाकिस्तान में, आपको एडसेंस खरीदने पड़ते हैं, बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ा इशू 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन में सबसे मेन चीज है। यूट्यूब खुद कहता है कि देखें ये क्राइटेरियाज में यूट्यूब कहता है ना कि यहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नंबर नहीं लगता 2 स्टेप में, ये इशू आ जाता है सामने कि ये जो है ना एरर आ रहा है, आप बाद में ट्राई कीजिएगा। ये पाकिस्तान के अंदर सब में आ रहा था, सिर्फ एक यू फोन था जिसमें जो है ना ये बचत हो रही थी और टेलीनॉर, अब वो भी फाइनली जो है ना जा चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए फोन नंबर लगाएंगे तो वो नहीं लगता। अब उसके अलावा क्या आपके पास ऑप्शन है? उसके अलावा आप दूसरे नंबर जो है ना वो जैसे यू फोन नहीं है तो आप बाहर का कोई नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि आपको जो है ना जैसे फेसबुक की मोनेटाइजेशन बाहर के लोगों के लिए हेल्प लेनी पड़ती है, इसी तरह से आपको पाकिस्तान में इनकी भी लेनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे इसका रीजन क्या हो सकता है? तो याद रखें कि पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे जो है ना हमारे काफी ज्यादा जुगाड़ी बैठे हैं लोग, जो ये करते हैं कि वो जो है ना ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब हमसे तंग आ चुका है। अब यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, एडसेंस आपका नहीं बनता, आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होती, और ये दोनों चीजें लाजमी है मोनेटाइजेशन के लिए। आप जब जाके देखेंगे ना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीजें लाजमी है। जब ये दोनों चीजें नहीं हो रही इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, जब तक कि वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसी बाहर के कंट्रीज के नंबर से ना लगाएं या फिर कोई और तरीका ना यूज करें और दूसरे नंबर पर जो है वो गूगल एडसेंस अकाउंट किसी से लेना, ठीक है, बाहर के कंट्री से लेते हैं या हमसे लेते हैं क्योंकि हम खरीद लेते हैं बाहर से। तो ये मेरे सामने कोई दिन के 3-4 इशूज आते हैं जिनके एडसेंस नहीं बने होते हैं, वो हमसे खरीद रहे होते हैं। तो ये तरीका है कि अब जो है ना आप अगर मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको बाहर से कहीं से करवाना पड़ेगा, या फिर आप ये दुआ करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा ये खत्म होता, बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि आगे चल के हमारे साथ ये ज्यादा इशू आएगा और हमारे साथ ये भी होने जा रहा है जितना मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ जो है ना वो या तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, आप चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते, नए जो चैनल पुराने रहेंगे लेकिन नए नहीं होंगे, या फिर मेजर इशू ये आएगा कि आपका जो पीसी होता है एक आईपी एड्रेस से आप एक ही जो है ना चैनल मोनेटाइज कर सकेंगे। जैसे एडसेंस का होता है आईडी कार्ड पे एक एडसेंस होता है, अब आगे चल के आप एक आईपी से जो है ना एक ही चैनल मोनेटाइज कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो है वो ज्यादा जो है ना चैनल मोनेटाइज करते हैं, बेचते हैं, उसमें पता नहीं क्या कुछ करते हैं, बहुत कुछ जो है ना पाकिस्तान में होता है, और इसी से तंग आके पेपाल भी गया था, इसी से तंग आके अमेज़न भी गया था, इसी से तंग आके जो है ना बाकी जितनी भी कंपनीज है वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करती, और ये यूट्यूब के साथ भी आप लोग कर रहे हैं। और कंग्रेचुलेशंस, अब यूट्यूब ने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। इससे फर्क किसको पड़ेगा? इससे फर्क पाकिस्तानी इकॉनमी को पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, आपको पड़ेगा, हर उस बंदे को पड़ेगा जो कि इंटरनेट से पैसे कमाने का ख्वाहिशमंद है और कमाना चाह रहा है और कुछ कमा भी रहे हैं। तो ये सबको फर्क पड़ेगा। कोशिश करें कि आप जो है वो इसमें पॉजिटिव इमेज अपना जो है ना रोल अदा करें, इन चीज़ों से जो है ना कह लें कि इन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि यूट्यूब को नुकसान दे रहे हैं किसी भी तरह से, तो फिर जो है ना वो छोड़ दें। जैसे एड्स पे क्लिक करना, खुद से जो है ना अपनी वीडियोज के ऊपर बार बार क्लिक करना ताकि मेरे और डॉलर्स बढ़े, इससे यूट्यूब को नुकसान होता है, इसी वजह से जो है ना यूट्यूब पाकिस्तान से जा भी रहे। तो अगर इसके हवाले से कोई मजीद न्यूज़ भी आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।